भौतिक दुनिया में जहां लोग धन संग्रह के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर धन कमाने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ईमानदारी के कारण आज भी लोगों की सहायता के लिए बिना लालच के हमेशा तत्पर रहते हैं। ईमानदारी की मिसाल सोलन में उस समय सामने आई जब सोलन के एक ऑटो चालक सुभाष ने एक महिला का ऑटो में गिरा हुआ पर्स लौटा दिया। पर्स में लगभग 6000 रुपए, एटीएम, पैन व आधार कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। ऑटो चालक की इस ईमानदारी को देखते हुए सोलन पुलिस अधीक्षक द्वारा ऑटो चालक को शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसपी मोहित चावला ने ऑटो चालक सुभाष की ईमानदारी की मिसाल के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑटो चालक ने बिना किसी लालच के महिला को उसका पर्स वापस किया है, इसलिए पुलिस विभाग द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अच्छे समाज के लिए कार्य करना चाहिए। एक ऑनेस्टी का एग्जाम्पल देखने को मिला, एक मिसाल है। जब हमारे यहाँ के सोलन के एक ऑटो चालक हैं श्री सुभाष चंद्र जी, इनको जब ये अपनी ऑटो की सुबह वॉशिंग और धुलाई कर रहे थे तो इनको एक पर्स मिला, तो इन्होंने तुरंत वो अपने यूनियन के ऑफिस में जमा कराया और उसके बाद जो पर्स की मालकिन थी हेमलता जी, उन तक पहुंचाया गया। जब हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ऑनेस्टी और ईमानदारी का एक एग्जाम्पल बनकर सामने आते हैं, तो लोगों के लिए ये रोल मॉडल से कम नहीं होते। इसी को देखते हुए आज सोलन पुलिस इनको सम्मान दे रही है, इनको सैल्यूट करती है इनकी ईमानदारी को देखते हुए, ताकि ये हमारी युवा पीढ़ी सबके लिए एक एग्जाम्पल बने। वहीं ऑटो यूनियन के चेयरमैन रवि गुप्ता ने कहा कि ऑटो चालकों द्वारा समय समय पर लोगों का सामान वापस किया जाता रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पुलिस विभाग द्वारा किसी ऑटो चालक को उसकी ईमानदारी के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि इससे यूनियन के सभी सदस्यों का हौसला बढ़ा है और वे आगे भी इस तरह ईमानदारी से कार्य करते रहेंगे। आज हमारे एक सदस्य को अपने ऑटो रिक्शा में एक पर्स मिला जिसमें कैश था और कुछ बहुत जरूरी कागजात थे, जो कि उसने पूरी ईमानदारी के साथ उस लेडीज को वापस किया जिसका पर्स था। इसी को देखते हुए आज हमें माननीय पुलिस अधीक्षक सोलन ने अपने ऑफिस में बुलाकर उस सदस्य को सम्मानित किया। इस बात से हमें हौसला मिला है और आगे से सभी सदस्यों के बीच एक ईमानदारी से कार्य करने की भावना भी जागी है। और हम लोग तो वैसे भी समय समय पर सामान वापस करते रहते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब हमें पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया है।